तो आज की वीडियो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो का आप सभी को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे तीन डिवाइसेस की, जिनके यहाँ पे मैं तरह तरह के टेस्ट करने वाला हूँ, परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाला हूँ, स्पीड टेस्ट वगैरह होने वाला है, नेटवर्क टेस्ट होने वाला है। आपको ये पता चल जाएगा ये डिवाइसेस यहाँ पे कितना हीट करते हैं, कितनी बैटरी ड्रेन करते हैं और यहाँ पे कितना थ्रॉटल करते हैं। थ्रॉटल टेस्ट भी हम कर देंगे, साथ ही मैं आपको काइन मास्टर की रेंडरिंग भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे यूजर ये डिमांड करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो डिवाइसेज है तीन, वो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आईक्यू 7 लेजेंड, दूसरे नंबर पे है वन प्लस 9 और तीसरे नंबर पे हमारा प्यारा दुलारा एसस ROG 5। तो तीनों ही डिवाइसेज यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 यहाँ पे प्रोसेसर के साथ आती हैं। तो जैसे कि आपने सुना होगा बहुत सारे यहाँ पे क्रिएटर के मुंह से, इवन मैं भी बोलता हूँ कि स्नैपड्रैगन 888 यहाँ पे हीट होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना हीट होता है और यहाँ पे कितना थ्रॉटल करता है, सारा कुछ आइडिया मिल जाएगा। वन प्लस जो यहाँ पे हमारे पास डिवाइस है, ये सबसे पहले जब ये लॉन्च हुई थी, वन प्लस 9 और 9 प्रो सीरीज जो भी है, ये पहले ज़्यादा यहाँ पे ओवरहीट हो रही थी, लेकिन अपडेट्स के बाद काफ़ी स्टेबल हो गई है। और आईक्यू में इन तीनों में से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छे वाला यहाँ पे कूलिंग वाला सिस्टम लगा हुआ है। और ROG की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है स्नैपड्रैगन 888 के साथ, वो यहाँ पे कितना गर्म होता है सभी कुछ पता चल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीनों ही डिवाइसेस को मैंने यहाँ पे कवर रिमूव कर दिया है, तीनों डिवाइसेस को मैंने यहाँ 100% यहाँ पे चार्ज कर लिया है, ताकि किसी भी तरह का यहाँ पे दिक्कत ना आए डिवाइसेस को। तो अभी हम शुरू करते हैं सबसे पहले एक बूट टेस्ट के साथ, देखते हैं कौन सी डिवाइस यहाँ पे सबसे जल्दी बूट होती है। तो ये चीज़ देखने के बाद यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही है कि वन प्लस 9 यहाँ पे सबसे ज़्यादा जल्दी बूट हुई है, देन उसके बाद आईक्यू 7 लेजेंड, देन उसके बाद हमारा यहाँ पे ROG 5। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बूट टेस्ट आपने सभी ने देख ही लिया है, पहले नंबर पे यहाँ पे वन प्लस 9, देन उसके बाद है आईक्यू 7 लेजेंड, देन उसके बाद हमारा एसस ROG 5। तो तीनों ही डिवाइसेस में मैंने यहाँ पे Antutu का बिल्कुल लेटेस्ट वाला वर्जन डाउनलोड कर दिया है। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये है यहाँ पे 9.0.12, इसमें भी आप देख लीजिए यही वाला वर्जन है। और यहाँ पे ROG में भी बिल्कुल मैंने यही वाला वर्जन डाल दिया है। एक इंटरेस्टिंग बात बना चाहता हूँ कि तीनों को मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया और उसका जो साइज़ रहता है Antutu का फुल वर्जन वाला साइज़, वो 642 MB के अराउंड रहता है। अभी आप यहाँ पे टेम्परेचर देखिए इन डिवाइसेस का, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हीट हो गई थी ये डाउनलोड करने के टाइम के ऊपर। मैं आपको इसका एक बार मैक्सिमम टेम्परेचर दिखा देता हूँ कितना यहाँ पे निकल के आया है। तो आईक्यू 7 लेजेंड का यहाँ पे जो टेम्परेचर आया है वो है यहाँ पे 40 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर। और यहाँ पे इसका चेक कर लेते हैं एक बार वन प्लस 9 का, तो इसका भी आप लगा के चलो कि 40 डिग्री टेम्परेचर आप मैक्सिमम इसने दिखाया है। वहीं अगर मैं ROG की बात करता हूँ तो ROG में भी आप देख लीजिए एक बार टेम्परेचर, तो ROG में आपको 43 भी आया है एक साइड पे, तो ये 43 के अराउंड आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है। 43 इसका इसीलिए क्योंकि सबसे लास्ट में इसने डाउनलोड और इंस्टॉल फिनिश किया है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं मान के चल रहा हूँ कि ये टेस्ट शुरू करने से पहले तीनों का टेम्परेचर 41 और 43 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 41 टू 43 वेरी करता है। तीनों को अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना यहाँ पे थर्मल्स, देखते हैं कैसे थर्मल्स को मैनेज करते हैं। और ये जो मैंने डाउनलोड भी किया है, इसको डाउनलोड करने के टाइम के ऊपर ही जो हमारा आईक्यू 7 है वो 97% पे आ गया है, ROG पे 97% पे आ गया है और वन प्लस 9 हमारा 98% पे आ गया है। तो तीनों को भी स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं टेम्परेचर कितना यहाँ पे राइज हुआ है। तो ऐप के हिसाब से तो आप देख सकते हो कि 50 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया है,
तो बीच में मैंने चेक किया था तो टेम्परेचर कुछ 45 तक था, तो यहाँ पे 47 डिग्री है। और बैक साइड के ऊपर भी एक बार देख लेते हैं, फ़ोन मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्म लग रहा है मुझे फ़ोन। तो 48 डिग्री यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर राइज़ हुआ है। वन प्लस नाइन की बात करते हैं तो वन प्लस नाइन में भी चेक कर लेते हैं कितना टेम्परेचर यहाँ पे राइज़ हुआ है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो अभी फ़िलहाल दिखा रहा है वो है यहाँ पे 42 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर। और वहीं हम बात करते हैं आर ओ जी की, तो आर ओ जी का भी टेम्परेचर देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे 45 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा है, 43 डिग्री, 44 डिग्री, 45 डिग्री आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 45 डिग्री यहाँ पे आर ओ जी में दिखा रहा है। तो यहाँ पे स्कोर्स के बारे में मुझे नहीं पता ये स्कोर्स ऐसा कम इतना कम क्यों आया है। स्कोर्स के ऊपर मत जाइए, आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि वर्जन बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे जो स्कोर्स कम आए हैं उसका रीज़न मुझे नहीं पता है। इसका तो रीज़न मुझे पता है कि इसमें स्टोरेज बहुत कम है, सिर्फ 9% स्टोरेज बाकी है, तो इसलिए यहाँ पे स्कोर्स कम आए हैं। और वन प्लस नाइन का स्कोर्स बहुत कम आया है, इसका मतलब ये है, तो मैंने एक वीडियो में बात की थी कि ओवरहीट ही क्यों नहीं होता डिवाइस, तो इसका रीज़न ये है कि वन प्लस वालों ने क्या किया है कि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी कम कर दी है। आप देख ही सकते हो परफॉर्मेंस कम की है इसलिए स्कोर कम आया है, और इसी की वजह से ये ओवरहीट इतना नहीं हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे आईक्यू 7 ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, क्योंकि इन्होंने परफॉर्मेंस को डाउन नहीं किया है। आर ओ जी 5 की भी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हुई है, तो दोबारा से जब हम स्ट्रेस टेस्ट करेंगे तब इसको वेरीफाई कर लेंगे स्कोर्स को। तो फिलहाल ये टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब हम दोबारा एक टेस्ट और करते हैं, और टेस्ट का नाम है यहाँ पे गीक बेंच। तो जल्दी से तीनों में यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ एक बार। तो तीनों ही डिवाइसेस में आपको मैं एक बार गीक बेंच भी रन करके दिखाता हूँ, चेक करते हैं यहाँ पे कैसा काम करते हैं डिवाइस, तीनों ही डिवाइसेस। तो तीनों में एक बार ऑन कर देते हैं। तो स्कोर्स के मामले में आप देख सकते हो यहाँ पे आईक्यू 7 लेजेंड बहुत अच्छा काम करता है, इसीलिए ज़्यादा गर्म हो रहा है कि आपको पता है स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट ज़्यादा गर्म होता है। और यहाँ पे वन प्लस ने बहुत अच्छी सी एक स्कीम यहाँ पे लगाई है ओवरहीटिंग को कम करने के लिए, वो ये है कि वो अपना यहाँ पे जो परफॉर्मेंस उसको डाउनग्रेड कर दिया है। आप देख ही सकते हो आपको देखने को मिला है अनटूटू बेंचमार्क में, और गीक बेंच में भी आपको देख सकते हो यहाँ पे कितना यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। तीनों में ही सेम प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पे स्कोर देखो कितने वेरी कर रहे हैं। तो इसको भी एक बार यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ, देखो ये कितना ठंडा पड़ा है यहाँ पे 40। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जो टेम्परेचर आ रहा है 41, 42, 43 डिग्री, कोई यहाँ पे खास फर्क नहीं आ रहा, जितने से स्टार्ट किया है उतना ही यहाँ पे टेम्परेचर है। वहीं ये दोनों डिवाइसेस ज़्यादा गर्म हो रहे हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा यहाँ पे, तो इसका टेम्परेचर भी आप देख सकते हो यहाँ पे सेम ही आईक्यू 7 लेजेंड जितना यहाँ पे दिख रहा है। तो ये यहाँ पे ज़्यादा स्कोर ज़्यादा ड्रॉप नहीं कर रहे हैं परफॉर्मेंस को। और दूसरी बात एक और है कि जो आईक्यू 7 लेजेंड है वो बेंचमार्क ऐप्स में अपनी ब्राइटनेस को ड्रॉप कर देता है, तो इसकी वजह से भी इसका स्कोर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो स्कोर की बात ना करते हम देखते हैं कि जो बैटरी है यहाँ पे कितनी रह गई है, यहाँ पे 87% रह गई है बैटरी, एक घंटा हमें टेस्टिंग करते हुए हो गया है, आप एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए। वहीं वन प्लस 9 में बैटरी देख लेते हैं 93%, क्योंकि ये काफ़ी ठंडा है। रीज़न यही है कि परफॉर्मेंस डाउन कर दिया है वन प्लस ने, जो अपडेट्स आए हैं उससे यही काम किया है। तो और 90% रह गई है एसुस आर ओ जी 5 में, तो बहुत चलाकी से काम कर रहे हैं वन प्लस 9 वाले। तो अभी फिर से एक और टेस्ट करते हैं, उससे सारा दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा, वो है यहाँ पे हमारा थ्रॉटलिंग टेस्ट। तो थ्रॉटल करके देखते हैं डिवाइसेस को कितना यहाँ पे थ्रॉटल करती हैं तीनों ही डिवाइसेस। तो तीनों ही डिवाइसेस में थ्रॉटलिंग टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे पूरा पूरा सच्चाई सामने आ गई है।
बहुत ही ज़्यादा वाहियत काम किया है दो डिवाइसेस ने। ये रही हमारी दो डिवाइसेस जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा गंदा काम किया है। गंदा काम कहने का मतलब ये, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर आप एक बार देखिए इसका टेम्परेचर कितना यहाँ पे दिखा रहा है। तो टेम्परेचर यहाँ पे जो दिखा रहा है वो 43 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम राइज किया है। वहीं मैं अगर 9 की बात करता हूँ तो इसमें 44 डिग्री यहाँ पे मैक्सिमम राइज किया है। वहीं यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ROG तो इसमें टेम्परेचर यहाँ पे 49 डिग्री गया है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों गया है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले IQ7 की बात करते हैं, IQ7 लेजेंड की बात करते हैं। ये लेजेंड है आप देख सकते हो। तो IQ7 लेजेंड ने क्या किया है कि जो परफॉर्मेंस जो स्टार्ट ही की है उसका जो इसका जो मैक्सिमम स्कोर ही गया है वो यहाँ पे है इसका 1,80,000 के अराउंड। एवरेज जो आप देखोगे तो 1,78,000 है और मिनिमम जो है वो 1,65,000। तो ये देखो इसने यहाँ पे शुरू ही ऐसा परफॉर्मेंस किया है बहुत ही ज़्यादा कम करके, क्योंकि ये ऑलरेडी हीट हो चुका था पहले दो टेस्ट में। तो इसने अपनी परफॉर्मेंस को काफ़ी ड्रॉप कर दिया है और आप देख सकते हो जो ये अभी स्कोर्स निकाल के दे रहा है ये स्नैपड्रैगन 768G वाले यहाँ पे स्कोर्स हैं। बहुत वाहियत बात है। थ्रॉटलिंग चाहे नहीं की है 95% है, लेकिन तो थ्रॉटलिंग तो कैसे होगी अगर आप अपनी परफॉर्मेंस ही डाउन कर दोगे। तो यही काम यहाँ पे किया है हमारे प्यारे OnePlus 9 ने। तो OnePlus 9 ने तो यहाँ पे बहुत ही गंदा काम किया। तो स्टार्टिंग में शुरू किया था 2,00,000 के ऊपर, लेकिन फिर एक यहाँ पे डिप आया 2 मिनट के बाद। उसके बाद तो इसने यहाँ पे परफॉर्मेंस को उठने नहीं दिया, वहीं एक जगह के ऊपर वहाँ पे काम करता चला गया। तो हमें इसका रीज़न पता चल गया है कि इसकी बैटरी ड्रेन यहाँ पे ज़्यादा क्यों नहीं हो रही है, ओवरहीट क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस को डाउन करके चलता है अपने डिवाइस को। OnePlus वालों ने जो अपडेट भेजा है लेटेस्ट वाला जिसमें उन्होंने ओवरहीट का इशू सॉल्व किया था, उसमें यही काम किया था। इसकी जो मिनिमम जो इसका स्कोर्स आया है वो 1,78,000 है और जो एवरेज आया है वो 1,87,000 है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं बोलूँगा। इसमें मेरी जो स्टोरेज है वो बहुत कम रह गई है 9%, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस फिर भी इन दोनों से बहुत ही ज़्यादा फार बेटर है। जितना इसका मिनिमम यहाँ पे स्कोर्स क्या है 2,08,000 के अराउंड, ये बिल्कुल यहाँ पे इसके मैच भी नहीं करते हैं। मैक्सिमम इसका 2,44,000 गया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर रेज हुआ है। और इसका एवरेज यहाँ पे 2,37,000 और ये थ्रॉटल भी 94% हुआ है। वहीं OnePlus 9 जो थ्रॉटल हुआ है वो 85% हुआ है, आप यहाँ पे खुद चेक कर ही सकते हो। तो यहाँ पे सारा कुछ सामने आ गया है कि कौन सी डिवाइस यहाँ पे कैसा काम करती है। मैं मानता हूँ यहाँ पे इसने ओवर यहाँ पे ये हीट हो गया 50 डिग्री तक, लेकिन इसने अपनी परफॉर्मेंस को ड्रॉप नहीं किया है। तो जो यहाँ पे बंदे मुझसे पूछते थे कि आप ROG 5 के साथ डिवाइसेस को क्यों कंपेयर करते हो, तो इसका रीज़न यही रहता है कि ये आपको एक पीक यहाँ पे परफॉर्मेंस निकाल के देता है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आपको क्या पता चलेगा कि स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट का जो मैक्सिमम स्कोर है वो क्या होता है। इसीलिए मैं इस डिवाइस को बेस बना के चलता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके कि बाकी जो डिवाइसेज है इसके साथ यहाँ पे कम्पीट कर सकती हैं या नहीं। तो अब हम यहाँ पे करने वाले हमारा फाइनल टेस्ट जो कि है काइनमास्टर की रेंडरिंग। अभी देखते हैं तीनों में यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 है और देखते हैं कौन सा डिवाइस यहाँ पे सबसे जल्दी यहाँ पे रेंडर करके देगा। सेम ही फाइल है, आपको मैं दिखा देता हूँ ये 7 मिनट की मैं फाइल यहाँ पे रेंडर करने वाला हूँ, एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए। तो अभी फटाफट से तीनों को यहाँ पे हम एक्सपोर्ट पे लगा देते हैं। तो इसमें मैं यहाँ पे हाई रखने वाला हूँ बिल्कुल सेटिंग्स को, सारी सेटिंग्स को। फ्रेम रेट को मैं यहाँ पे 30 FPS रखूँगा और इसको मैं यहाँ पे फुल HD के ऊपर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने फुल HD सेट कर दिया है। तो अभी यहाँ पे जो साइज़ बन गया है वो है यहाँ पे 1707, तीनों में ही एक ही साइज़ यहाँ पे बन गया है। एक्सपोर्ट पे लगाता हूँ, देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लेते हैं डिवाइसेस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 58 सेकंड में यहाँ पे कंप्लीट किया है OnePlus 9 ने। दूसरे नंबर पे आया है यहाँ पे 1 मिनट 1 सेकंड के अराउंड और यहाँ पे 1 मिनट 4 सेकंड यहाँ पे टाइम लिया ROG 5 ने। तो तीनों को आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा कम डिफरेंस है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सबसे अच्छा काम किया है OnePlus 9 ने। तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट भी चेक कर लीजिए कैसा काम करता है। तो तीनों में भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीनों में स्नैपड्रैगन 888 है तो एक जैसा ही काम करते हैं, कुछ ज़्यादा यहाँ पे 10-12-15 सेकंड का फ़र्क नहीं आया है, 2-3 सेकंड का यहाँ पे फ़र्क आया है। तो ये यहाँ पे मैंने सारे टेस्ट कंप्लीट कर दिए हैं और ये टेस्ट को चलते हुए यहाँ पे 1.25 घंटा यहाँ पे हो चुका है और 1.25 घंटे में यहाँ पे जो बैटरी ड्रेन की है 79% पे आ गया है हमारा IQ7 लेजेंड। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे हम देख सकते हैं OnePlus 9R जो पड़ा था ये यहाँ पे 84% यहाँ पे इसकी बैटरी अभी पड़ी है। और लास्ट में यहाँ पे ASUS ROG 5 में 79% बैटरी सेम है जैसे IQ7 लेजेंड में।
मेरा फाइनल वर्डिक्ट यहाँ पे मैं आपको देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये दोनों डिवाइसेस ज़्यादा अच्छा काम करती हैं अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ। इसी की वजह से ज़्यादा हीट भी होती हैं, आपने देख ही लिया है सारे टेस्ट, सारे जितने भी टेस्ट हैं उन सभी में आपको पता लग ही गया होगा। वहीं यहाँ पे परफॉर्मेंस में सबसे नीचे है यहाँ पे OnePlus 9। रीज़न यहाँ पे ये है कि ये जो है थोड़ा सा काम ख़राब कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को डाउन कर रहे हैं ताकि ये ओवरहीट ना हो फ़ोन, क्योंकि अगर ये पूरी यहाँ पे पूरे पोटेंशियल के ऊपर रन करवा देंगे स्नैपड्रैगन 888 को तो ये यहाँ पे जल फूक जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ पे ये बुन जाएगा। तो इसी की वजह से परफॉर्मेंस को डाउन किया है OnePlus ने। तो सारी चीज़ आपको पता चल गई है। तो मेरी यहाँ पे नज़र में सबसे ज़्यादा जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो है यहाँ पे ROG 5 में, सबसे ज़्यादा हीट भी यही वाला डिवाइस होता है। और यहाँ पे मैं स्टेबिलिटी की बात नहीं करूँगा क्योंकि स्नैपड्रैगन 888 होने की वजह से मुझे उम्मीद थी कि डिवाइसेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगी, पीक तक जाएंगी, लेकिन ये डिवाइसेस यहाँ पे पीक तक नहीं जा रही हैं, मुझे यहाँ पे देख के बहुत निराशा हुई है। तो ये तो था यहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस टेस्ट, मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आपको बैटरी ड्रेन भी देखने को पता चल, तो आपको बैटरी ड्रेन के बारे में पता चल गया है कैसा यहाँ पे बैटरी ड्रेन है, आपको थर्मल्स के बारे में पता चल गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ऐसी वीडियोज अच्छी लगती होंगी। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो में।